हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तब दुर्गा पूजा कैसे बीता? मुझे विश्वास है कि अच्छे ढंग से ही बीता होगा। दुर्गा पूजा के बाद आज हम लोग लगभग 10 दिनों के बाद मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीटिंग होंगे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, आज से पढ़ाई शुरू किया जाए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसमें क्लास 11th का एक्सरसाइज 15A आज शुरू करेंगे आर एस अग्रवाल के बुक से। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इस चैप्टर में किन किन फार्मूला का यूज़ होता है। तो जानते हैं बच्चों इस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूला के बारे में। तो बच्चों, एक्सरसाइज 15A ट्रिग्नोमेट्री आर एस अग्रवाल के बुक से ये बच्चों पार्ट वन, ठीक है, 15A का पार्ट वन बच्चों। तो इसमें पार्ट वन में जानते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है, उसके बारे में बच्चों कुछ जानते हैं इन ब्रीफ शॉर्ट में। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हमको जानना है क्वाड्रेंट के बारे में। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, उसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं बच्चों? चतुर्थांश। तो ये चार भागों में बांटा गया है बच्चों। ये एक्स ओ एक्स डैश, ये हुआ एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये पहला भाग देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, इसलिए इसका नाम है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यूडी का फुल हो गया क्वाड्रेंट, चतुर्थांश मतलब प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया बच्चों पहला, दूसरा ये सेकंड है, इसे बच्चों कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया बच्चों आपका थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय चतुर्थांश। ये हो गया बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश। तो बच्चों ये सभी आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो बच्चों ये प्रथम चतुर्थांश का वैल्यू देखिए, यहाँ से जीरो से शुरू होता है, 90 का ही खत्म होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू बच्चों आपका होता है 0 to 90 degree। क्या था बच्चों? 0 to 90 degree। और बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है बच्चों। प्रथम चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये चार छह क्या होगा, ये जो छह देखे आप रेशियो सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू बच्चों यहां से शुरू 90 से शुरू हुआ और 180 में खत्म होता है, 90 degree to 180 degree। सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू बच्चों क्या होता है? 90 degree to 180 degree। तो बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, मान लिए थीटा को एक एंगल है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, साइन थीटा एंड कॉसेक है, कॉसेक सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। बाकी क्या हो गया? साइन और कॉसेक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका? कॉस बचेगा बच्चों, टेन बचेगा, कॉट बचेगा और सेक बचेगा, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा मतलब माइनस में होगा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक थीटा ही प्लस होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू बच्चों आपका होता है, देखिए 180 से शुरू हुआ और यहां पर 270 में खत्म हो गया, 180 to 270 degree, ठीक है बच्चों।
क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है, और बच्चों इसमें आपका टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यहां इसे आप एंड कहिएगा, ठीक है बच्चों, टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। टेन कॉट को छोड़कर बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, सेकंड पार्ट में टेन साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका डिग्री वैल्यू का बात करें बच्चों, इसका वैल्यू होता है 270 डिग्री से लेकर बच्चों 360 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है 270 डिग्री से कितना होगा, 360 डिग्री, ये आपको याद रखना है। तो बच्चों आप लोगों ने क्वाड्रेंट के बारे में जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चाहे साइन हो, कॉस है, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉस, सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और इसमें साइन एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू बच्चों 180 डिग्री से आपका 270 डिग्री होता है, इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो बच्चों इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, और इसका वैल्यू होता है आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो बच्चों क्वाड्रेंट के बारे में आप लोगों ने ये खास बातें जानी, चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इस क्वाड्रेंट का यूज हम कैसे करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, गौर दीजिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम 90 डिग्री माइनस थीटा, मान लीजिए थीटा कोई एंगल है तो 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हम निकालते हैं बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिए बच्चों, समझने वाली बात है, 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, अगर 90 से ज्यादा होगा तब तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से ज्यादा नहीं, 180 तक ही जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो बच्चों ये 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 से पार नहीं कर रहा है, 90 से कम ही हो रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पहले ऑल पॉजिटिव मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव मतलब सारा प्लस में होगा, सारा क्या होगा, प्लस में होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर सारा प्लस में होगा, तो प्लस तो बच्चों से दिया नहीं आता है, फिर भी समझाने के लिए हम प्लस को दे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा होगा तो बच्चों आप कॉस कीजिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन कीजिएगा, टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट कीजिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन कीजिएगा, सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा कीजिएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो क्या कीजिएगा, सेक थीटा। माने ध्यान रखिएगा कॉस का था साइन हो गया, साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ, टेन का कॉट हुआ तो कॉट का टेन हो गया, हर एक पेयर को ध्यान रखिएगा। सेक 90 माइनस थीटा तब क्या हो गया, कॉसेक हो गया, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया बच्चों, सेक हो गया, समझ गए। 90 डिग्री माइनस थीटा में किसका फॉर्मूला हो गया, चलिए देखते हैं आगे। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी लिखते हैं बच्चों, 90 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 भी, ध्यान दीजिएगा। अब दो में देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिखते हैं पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना, पाई बाय 2 प्लस थीटा बोलिए, 90 डिग्री प्लस एक ही बात है क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री बाय 2 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा
कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा एंड कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 90 डिग्री को पार कर गया, 90 डिग्री को पार कर गया। तो 90 डिग्री प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोले थे बच्चों कि साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो टेन थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा है तो आप बच्चों कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा है तो बच्चों क्या हो जाएगा ये सेक थीटा, ठीक है। ध्यान रखिए बच्चों 90 डिग्री प्लस थीटा में क्या देखें आप, साइन वाला और कॉसेक वाला पॉजिटिव में था, बाकी सब क्या था नेगेटिव था, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, ये सब फॉर्मूला का यूज अभी 15A में किया जाएगा। तो ध्यान देखिए बच्चों, आप बस देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा तीन नंबर में, 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में ही है, क्योंकि 90 से 180 तक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये 180 माइनस थीटा है तो 180 पार तो नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह गया है। 180 माइनस थीटा क्या हो गया बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में रह गया। 180 को हम ऐसे लिखते हैं पाई माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। बुक में आपका 180 माइनस थीटा भी लिखा हो सकता है और पाई माइनस थीटा भी, एक ही बात है, ठीक है। ध्यान दें बच्चों, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा भी कर सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दें बच्चों, अभी आप लोगों ने 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा में साइन का कॉस किया, कॉस का साइन किया, टेन का कॉट किया, कॉट का टेन किया, सेक का कॉस का सेक किया, लेकिन बच्चों 180 डिग्री रहा तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में वैल्यू नो चेंज 180 डिग्री और 360 डिग्री में वैल्यू नो चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसे का कॉसेक ही रहेगा, मतलब वैल्यू नो चेंज का यही मतलब हुआ। ध्यान है, कुछ अलग अर्थ में लगाइएगा, ठीक है बच्चों। मतलब 180 और 360 डिग्री में वैल्यू नो चेंज और आपका 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री बच्चों वैल्यू चेंज कर दिएगा। वैल्यू चेंज का मतलब यहाँ क्या, साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है, टेन का कॉट करना है, कॉट का टेन करना है, सेक का कॉसेक करना है, कॉसेक का सेक करना है, यहाँ वैल्यू चेंज का ये मतलब हुआ, ठीक है। कुछ अलग अर्थ नहीं लगाइए बच्चों, 90 डिग्री और 270 वैल्यू बदलता है, 180 और 360 डिग्री वैल्यू नहीं बदलता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए 180 माइनस थीटा है मतलब वैल्यू नो चेंज होगा, मतलब साइन का तो साइन होगा ही, कॉस का कॉस होगा ही, टेन का टेन होगा ही, कॉट का कॉट होगा ही, सेक का सेक होगा ही और कॉसेक का कॉसेक होगा ही, ठीक है बच्चों। अब देखना है किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन वाला और कॉसेक वाला प्लस में होगा और बाकी सब माइनस में होगा, दे दिए बच्चों, ठीक है। 180 डिग्री था इसलिए साइन का साइन है उतरा, कॉस का कॉस है उतरा, टेन का टेन है उतरा, कॉट का कॉट है उतरा, सेक का सेक है उतरा, कॉसेक का कॉसेक है उतरा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब प्लस माइनस कैसे हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए साइन वाला प्लस में हुआ, कॉसेक वाला प्लस में, बाकी सब क्या हो गया बच्चों नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, गौर कीजिए बच्चों, आप बच्चों चौथा नंबर में 180 प्लस थीटा करते हैं, 180 प्लस थीटा बोलिए या पाई प्लस थीटा, तो बच्चों 180 प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा,
180 तक तो सेकंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन 180 प्लस थीटा हो गया, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। किसमें आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो टेन और कॉट क्या होगा? प्लस में होगा। टेन और कॉट क्या होगा? प्लस में होगा। तो आपका बच्चों ये टेन है, आई कॉट हो गया, ये दोनों प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, चूंकि ये 180 डिग्री वाला है, 180 प्लस थीटा, तो बोले थे कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में जो है सेम का सेम वही उतरेगा, जो रेशियो वही थी, रेशियो को चेंज नहीं होगा। तो साइन का साइन रह गया, कॉस का कॉस रह गया, टेन का टेन, 180 या 360 रहे तो आंख मूंद के आपको यह जानना कि साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, टेन है टेन होगा। आपका सिर्फ क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस माइनस सेट कर देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए ध्यान दीजिए अगला। आप बच्चों आते हैं 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों, इसको हम लिखते हैं 3π/2 माइनस थीटा। आप देखिए चेक कर लीजिए होता है कि नहीं, 3π/180/2 माइनस थीटा कितना हो गया, ये 90, 9 × 27 270 आया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा को कहिए या 3π/2 कहिए, एक ही बात है। ठीक बच्चों, देखिए अब यहां पर जहां जहां 180 है बच्चों, वहां पर क्या है 270 ले रहे हैं, 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा सब डिग्री में है, 270 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों समझाए थे कि 90 डिग्री और 180 डिग्री में, 90 डिग्री और 270 डिग्री में वैल्यू चेंज होगा। वैल्यू चेंज का मतलब क्या बोलते हैं? साइन का कॉस करना, कॉस का साइन करना, टेन का कॉट करना, कॉट का टेन करना, से का कॉस है, कॉस का से। तो बच्चों साइन का हमें क्या करना है? कॉस करना है। कॉस का क्या करना है? साइन करना है। टेन का क्या करना है? कॉट करना है। कॉट का क्या करना है आपका? टेन करना है। से का क्या करना है आपका? कॉसेक करना है। कॉसेक का क्या करना है बच्चों? सेक करना है। ठीक है, क्योंकि 270 डिग्री और 90 डिग्री में वैल्यू चेंज होता है, इसलिए हम इस तरह से लिख दिए। अब देखना है कि 270 माइनस का किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 माइनस थीटा में 270 पार नहीं करना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में रह गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या होता है 180 से 270 तक, 270 पार नहीं कर रहा है, मतलब थर्ड में ही रह गया। तो थर्ड में रह गया, टेन और कॉट वाला क्या प्लस, ये टेन वाला प्लस में हो गया, ये कॉट वाला प्लस में हो गया, टेन का प्लस में किए कॉट का भी प्लस में कर दी। इधर का नहीं देखना है, इसको देखना है, टेन वाला है तो प्लस, कॉट वाला है तो प्लस, बाकी सब क्या होगा? माइनस हो गया। समझ गया ना? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आप देखते हैं 270 प्लस थीटा, पांच नंबर, ये नहीं छ हो गया, 270 प्लस थीटा यानी कि 3π/2 प्लस थीटा, तो प्लस प्लस करते रहे सब में। ठीक है, अगला देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा। तो सबसे पहले ये जानना कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, 270 प्लस थीटा आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू क्या था, 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, 270 से कहां था बच्चों 360 डिग्री तक, तो ये 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, देखिए गौर से चार्ट को, कॉस वाला और सेक वाला होता है प्लस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस वाला प्लस में होगा और सेक वाला प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा? माइनस कर दीजिए। ये कॉस वाला प्लस हुआ, सेक वाला प्लस, बाकी सब माइनस में होगा, और चूंकि 270 वाला में वैल्यू चेंज होगा, इसलिए साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये हो गया बच्चों, समझ गए? चलिए अब आते हैं दूसरा। अब आते हैं बच्चों 360 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2π/θ। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री मैं 360 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा एंड
कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों सबसे पहले हमको सब कुछ भूल के ये जानना है, ये 360 डिग्री माइनस थीटा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, मैंने साइन है तो साइन उतारना है, कॉस है तो कॉस उतारना है, टेन है तो टेन उतारना है, टेन था टेन उतारे, कॉट है तो कॉट ही उतार देते हैं, यहाँ पर सेक है तो सेक ही उतार देते हैं, कॉसेक है कॉसेक ही उतार देते हैं। तो 360 माइनस थीटा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉस वाला और सेक वाला प्लस में होगा और बाकी सब क्या होगा माइनस में होगा। समझे बच्चों 360 माइनस थीटा में ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब बच्चों आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है बच्चों 360 डिग्री प्लस थीटा कहिए। अब 360 डिग्री के साथ में हम जितना भी वैल्यू है 360 इंटू एन प्लस थीटा करते हैं, अब 360 डिग्री है उससे जितना ज्यादा 360 डिग्री 400 डिग्री 500 डिग्री 700 कोई भी डिग्री रहे वो आपका बच्चों आ जाएगा इसी फॉर्मूला में। इसको हम ऐसे लिखते हैं और 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा बोलिए या 2n पाई प्लस थीटा। तो बच्चों इसमें सारा पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा साइन 2n पाई प्लस थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा, कॉट 2n पाई प्लस थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा एंड कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा। तो बच्चों 2n पाई प्लस थीटा वाला में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, क्योंकि 360 डिग्री है चेंज होगा नहीं, टेन का टेन ही है, कॉट का कॉट ही होगा, सेक का सेक ही होगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा। और बच्चों 2n पाई प्लस थीटा घूर फिर के फर्स्ट में ही आ गया, मतलब ये सब पॉजिटिव होगा, मतलब 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में यदि रहे बच्चों तो सारा पॉजिटिव होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब सवाल शुरू करेंगे तब आपका इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस बुझाएगा। ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आप बच्चों ये ध्यान रखिएगा माइनस थीटा यदि कभी कभी आ जाता है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा। तो बच्चों माइनस थीटा वाला में आपका ये कॉस वाला और सेक वाला खाली प्लस रखना है और बाकी सबको माइनस कर देना है। इसमें बस इसमें भी वही होता है, साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, टेन का टेन ही होगा, कॉट का कॉट ही होगा, सेक का सेक ही होगा और कॉसेक का कॉसेक ही होगा। खाली आपको माइनस थीटा वाला ध्यान रखना है कि कॉस वाला सेक वाला प्लस करना है, बाकी सबको माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये आरएस अग्रवाल का 15A में जो जो फॉर्मूला लगेगा बच्चों, आज मैंने पार्ट वन में सारा फॉर्मूला को समझा दिया है। तो बच्चों अब इसका पार्ट टू का इंतजार करें, जिसमें मैं आप लोगों का इसका चैप्टर के बारे में बताऊंगा, चैप्टर के सवालों को बताऊंगा। तो बच्चों तब तक आप पार्ट वन में जितना फॉर्मूला समझाए हैं उसे अच्छी तरह से समझें और कॉपी में नोट करें और दिमाग में फॉर्मूला का रखने की कोशिश करें, ताकि जब चैप्टर शुरू करें झटझट बोलिएगा, मैं आप लोगों को सवाल समझाते जाऊंगा। बच्चों टिल देन गुड बाय बाय।